दिल्ली के बलह उपमंडल के नलसर पंचायत की प्राचीन धरोहर नलसर झील के दिन अब बदलने वाले हैं। इस झील का महत्व महाभारत काल से है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो कमरूनाग देवता यहीं पर रहने आए थे, मगर उन्हें ये जगह पसंद नहीं आई और वे कामरू घाटी चले गए। इस प्राचीन धरोहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए पंचायत ने 14वें वित्त आयोग और मनरेगा में 80 लाख की शेल्फ ला ली है। पंचायत के प्रधान विनोद ठाकुर ने कहा, अभी तक जितना पैसा मिला है उससे तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण और पक्के रास्ते बनाए गए हैं। मैं प्रधान ग्राम पंचायत नलसर विनोद ठाकुर, ग्राम पंचायत नलसर के नजदीक जो लेक है उसको विकसित करने के लिए मनरेगा के तहत सरकार द्वारा चलाई गई योजना पंचवटी के तहत जो इसको विकसित करने के लिए हमने जो है योजना बनाई है, जिसके लिए हमने 80 लाख का जो है सेल्फ डाला हुआ है और उसको स्वीकृति के लिए जो है माननीय जिलाधीश महोदय और सरकार को जो है भेजा हुआ है। और मेरा मानना है कि इस तालाब को विकसित करने के लिए जो है धनराशि का जो है प्रावधान सरकार अतिशीघ्र करेगी और जो है बहुत ही जल्द जो है नलसर को जो है पर्यटन की दृष्टि से जो है विकसित किया जाए और बाकी जो है नल बल नदी डिस्ट्रिक्ट के जो इस इतना बड़ा तालाब 47 बीघे का है इसको विकसित करने में जो है स्थानीय लोगों का और माननीय विधायक महोदय का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमें आश्वासन मिला है कि जो 47 बीघे का जो बतौर पर्यटन स्थल जो है वर्क किया जाएगा और इसको चारों तरफ से पंचायत जो है आज के टाइम जो है सोलिंग कंक्रीटिंग और पेवर का काम जो है चला हुआ है, जिसको जो है पंचायत और फोर्टीन फाइनेंस के तहत और मनरेगा के तहत और टूरिज्म द्वारा जो 8 लाख हमें दिया गया था पंचायत को उसके तहत जो है हम जो है पंचायत के इस तालाब को जो है डेवलप कर रहे हैं। बाकी भविष्य में भी जो है इसके लिए जो है पंचायत ने जो है ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जो है आकलन तैयार किया है, जिसमें जो है बोटिंग जो है की जाएगी और चारों तरफ जो है सोलर लाइट का और पार्कों का जो है पार्क और दूसरी जो भी नई तकनीकी से जो भी प्राकलन तैयार किया जाएगा डीपीआर बन जाएगी उसके तहत जो है तालाब को और सराउंडिंग को जो है टूरिज्म के तौर पर इसको डेवलप किया जाएगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से देवेंद्र गुप्ता के साथ उमा वशिष्ठ।